जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज मतदान का दिन है और लगातार कर्मचारी पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करेंगे वो और जिला अध्यक्ष चुनेंगे जो रायपुर शाखा का होगा। पूरे दिन का मेहनत का रिजल्ट मिलेगा क्या? देखो, दोनों प्रत्याशियों का भाग का फैसला पीटी में बंद होने जा रहा है। मतदाता लाइन लगा खड़े हैं, शाम को 6:30 बजे रिजल्ट आएगा, तब मालूम पड़ेगा कि कौन निर्वाचित करें। और अभी दोनों प्रत्याशी अध्यक्ष लोग जो रिकमेंड कर रहे हैं, अब हमारे मतदाता साथ में हैं, कौन योग है। हमारे साथ उमेश मुदलियार जी भी हम सीधा बात करेंगे। उमेश जी, काफ़ी लंबे समय से चुनाव के लेकर जब निर्वाचन का दिन तय हुआ था, लगातार हराना काफ़ी उतार भरा चुनाव में रहा है, क्या कहेंगे मतदान रिजल्ट? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि और कर्मचारी संघ पंजीयन क्रमांक 249 है, एक सबसे बड़ा सशक्त संगठन है प्रदेश के अंदर में, जिसमें एकदम निसंकोच और बगैर इसके निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो फर्म सोसाइटी बायलाज में लिखा हुआ है। और उसी के तहत राजधानी के अंदर में आज 22 साल के बाद में ये चुनाव छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार हो रहा है। और आप यहाँ का माहौल देख रहे हैं कि पूरे यहाँ पर मतदाता लोग सारे विभाग से अलग अलग यहाँ पर आ करके अपना बहुमूल्य वोट डालने के लिए तपती धूप में खड़े हुए हैं और एक अच्छे प्रत्याशी चुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि आज अधिक से अधिक मतदान यहाँ पर हो और एक अच्छा प्रत्याशी चुन के आए, और जिसका रात के शाम के 7:30 बजे के बाद रिजल्ट आएगा और एक नया अध्यक्ष हमारे कर्मचारी साथियों के बीच में चुनकर बैठा हुआ अध्यक्ष जो है वो सशक्त और मजबूत अध्यक्ष रहेगा, जो कर्मचारियों के हित के लिए लड़ाई लड़ेगा। कौन बनेगा जिला? देर शाम तक ये फैसले का रिजल्ट आ जाएगा, तो हम सीधा जो मतदान करके आ रहे हैं उनसे बात करेंगे, तो आप जुड़े रहिए।